बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने दोस्त जाकिर भाई को इस नॉवेल लिखने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं इनको बहैसियत नॉवेल निगार या अफसाना निगार ही नहीं बल्कि जेएनयू कम्युनिटी का एक मेंबर होने के नाते भी मैं इनको जानता हूं। और हम लोग एक ही हॉस्टल में 2017-18 के करीब में ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में थे, और मैं जाकिर भाई को जानता नहीं था, तो एक हमारे दोस्त इनके कमरे में लेके गए क्योंकि मुझे किसी अखबार में मजमून भेजना था, और इन्होंने कहा कि आप मेरे ही लैपटॉप पे इसको आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बीच में दोस्ती हुई, और जो इनकी एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि ये काफ़ी पोलाइट, काफ़ी मिलनसार और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। पढ़ना लिखना, इल्म हासिल करना ये तो सब करते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल बात है। और इनकी जो कहानी थी, कहानियों का जब मजमुआ था नया हम्माम, वो भी 2 साल पहले उन्होंने मुझे दिया था, और मैंने उसका भी मुताला किया था, और एक छोटी सी गुफ्तगू भी हम लोगों ने उस किताब के हवाले से की थी। और इनकी जब मैं तहरीर को पढ़ता हूँ तो मेरे तासुरात ये हैं कि इनका लिखने का तरीका ज़रूर अदबी है, और जैसा ये कहते हैं कि उसमें आपको फिक्र होनी चाहिए, तजस्सुस होनी चाहिए, तखयुल होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे इनको देख के, इनकी तहरीर को पढ़ के यही लगता है कि इनकी लेखनी में समाज के अंदर में जो कुछ भी चल रहा है उसे वो देख के काफ़ी परेशान हैं। और जिस तरह इन्होंने अपने नॉवेल में एक जगह एक जुमला का इस्तेमाल किया है, और मैं इन्हीं के जुमले को यहाँ पे उधार लेके कहना चाहता हूँ कि सवालात के नाग जो हैं वो डस रहे हैं। तो वो जो सवालात, आज के दौर के जो सवालात के जो नाग हैं, वो इस कहानीकार को, इस नॉवेल निगार को डस रहे हैं। और उर्दू जबान जो है इसका बहुत बड़ा इनकलाबी रोल है हिंदुस्तान की आज़ादी में, और इसकी शायरी आज भी सड़कों पे गाई जाती है, गुनगुनाई जाती है, और लोगों के बीच में एक हौसला बढ़ाने का काम ये उर्दू करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद से जिस तरह से उर्दू के साथ भेदभाव किया गया और मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसकी वजह से उर्दू अदब में सियासी चीज़ों को लिखने वाले लोग कम होते चले गए, या लोग डर रहे हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती है, या लेकिन उसमें जाकिर फैजी साहब ऐसे नहीं हैं। अगर आप इस नॉवेल को भी पढ़ें तो आपको लगेगा कि जितनी बातें एक सियासियात का माहिर नहीं कह सकता है, उतनी गहरी बातें इन्होंने कही है। तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। रही बात ये कि ये जो नया हमाम है, सॉरी ये जो नया नॉवेल है आपको, नई फैक्ट्री, तो मैंने पूरा नॉवेल पढ़ा, और जो लोग इस नॉवेल को नहीं पढ़ पाए हैं या अधूरे पढ़ पाए हैं, उनके लिए ये जो ये प्लॉट है, जो कहानी है, उसको 1-2 मिनट में मैं उसको दोहरा देना चाहता हूं ताकि आपको आगे की जो गुफ्तगू हो उसको सुनने में आपको आसानी हो। कहानी कुछ यूं है कि 3-4 दोस्त होते हैं, और एक अभय है, एक मिराज है, एक दीपा है, एक अली है, और ये चारों दोस्तों के बीच में एक जो बंधन जो है, जो उनके बीच में एक बॉन्ड है, वो ये है कि ये सारे लोग समाज को बदलना चाहते हैं। ये सारे लोग जो हमारा हिंदुस्तान है उसके नुमाइंदे हैं, जहां पे मजहब की कोई भेदभाव और कैद नहीं है, कोई इंसान जो है अपने आप को हिंदू और मुसलमान के तौर पे नहीं देख रहा है, उसके अकीदे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन मुल्क और मिल्लत को आगे बढ़ाने का उनके दिलों के अंदर में एक ख्वाब है, और वो अलग अलग सूबे और अलग अलग पेशे में जरूर हैं। और उन्हें बाद में ये मालूम होता है कि बच्चों का अगवा किया जा रहा है, नौजवानों का अगवा किया जा रहा है, और फिर उनको बड़ी मायूसी होती है कि पुलिस, इंतजामिया अफसरान, इंतजामिया के मेंबरान, सियासतदान उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। और उसके बाद ये जो चारों दोस्त हैं अपनी जान की बाजी लगा के, जो इंसानों का जो अगवा हो रहा है, बच्चों का जो अगवा हो रहा है, लड़की और लड़कियों का जो अगवा हो रहा है,
उसके पीछे के राज को पता करने के लिए वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जिसका नाम है नई फैक्ट्री। और ये नई फैक्ट्री जो है एक जजीरे, एक आइलैंड में है, जहां पे बच्चों को पैदा किया जाता है, उनका कत्ल किया जाता है और उसके गोश्त को बेचा जाता है। और वो वहां जाते हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर में एक हौसला है कि हम इस राज को बाहर लाएंगे, हम अपनी जान की बाजी देंगे, लेकिन हम दुनिया को बताएंगे कि क्या कुछ बुरा चल रहा है। उनकी बहादुरी और दिलेरी और जाबाजी की वजह से वो कैद खाने से, वो नई फैक्ट्री से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन सियासत के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आखिरकार उनको मार दिया जाता है। चार दोस्त मर जाते हैं और जो एक दोस्त बचता है, ये तमाम चीजों को देख के उसको दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और ये समाज को बताना चाहता है कि क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ बीता है उनके ऊपर। लेकिन समाज जो है वो गुलामी की जहनियत से इस तरह उसमें मुब्तला है कि वो नई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसे पागल करार दे दिया जाता है। तो जिस तरह से इस नॉवेल को इन्होंने खत्म किया, इसकी जो एंडिंग हुई है वो भी मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा इसलिए है कि किसी भी राइटर को, किसी भी कलमकार को बहुत ही आसान जबानों में कोई सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो समाज के अंदर में जो बुनियादी जो पेचीदगियां हैं उसको सामने रखना चाहिए। और मैं बहुत हद तक मुत्तफिक हूं कि जो नोवेल निगार ने कहा है और नोवेल निगार ने यह कहने की कोशिश की है कि किसी एक फर्द या चंद दोस्तों की कोशिश की वजह से यह समाज बदलने वाला नहीं है, बल्कि समाज तभी बदलेगा जब ज्यादातर लोग जुल्म और ज्याति के खिलाफ खड़े होंगे और ज्यादातर लोग जो हैं ये आपको जो फिरका परस्ती है, जो जमाखोरी है, जो मुनाफाखोरी है, इसके खिलाफ खड़े होंगे। और मैं जाकिर भाई की सोच से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में भी अगर जो कुछ भी बुरा चल रहा है उसकी जिम्मेदारी अकलियतों के सर पे नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी अक्सरियत तबके के ऊपर होनी चाहिए। वो जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म का जो बोझ है या सामाजिक इंसाफ का जो बोझ है वो दलितों और मुसलमानों के कंधे पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क में अगर ये गलत निजाम की वजह से हो रहा है तो अक्सरियती तबके से हो रहा है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इशारतन जाकिर भाई ने आज के दौर में जो भी सियासत चल रही है, मीडिया का जो आप कहें कि उसकी बेईमानी हो या सियासतदानों की बेहिसी हो या जो कुछ भी हो, इंतजामिया की जो मिली भगत, तो इन तमाम बातों को छुपे तौर पे, खुले तौर पे उन्होंने बिल्कुल उसको एक्सपोज कर दिया है और सफेद पोशों के चेहरे से इन्होंने नकाब को हटा लिया है। और इस नावल की कामयाबी यही है कि इस नावल में जरायम पेशों के जरायम की बातें नहीं कही गई, बल्कि सफेद पोशों की जरायम की बात कही गई है। और बहुत लोगों को लगता है कि इंसानी मीट का बिजनेस क्या है, कुछ ज्यादा ही आपको इसमें तखयुल की उड़ान तो नहीं है। मुझे लगता है कि इसको अगर इंसानी मीट का जो बिजनेस है अगर इस दुनिया में नहीं भी चलता हो, लेकिन एक नई फैक्ट्री की अलामत के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि हम इंसानी जो जिस्म है वो भले ही आपको फिजिकल तौर पे आपको काटा और मारा ना जाए, आपका गोश्त ना बेचा जाए, लेकिन अगर आपकी मजदूरी की चोरी हो रही है, अगर आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपको इज्जत नहीं मिल रही है, अगर जना और रेप हो रहा है, अगर आपको बराबरी नहीं मिल पा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं मीट का जो गोश्त है और जो उसका जालिमाना और वहशियाना जो कार्रवाई है उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। क्योंकि खून बहा के किसी को मारना बहुत ही आसान होता है, बगैर खून बहाए किसी को मारना, ये जो है ये जो चीजें हैं ये बहुत ही बगैर खून बहा के जो ब्लडलेस मर्डर है, मैं समझता हूं कि ना इंसाफी की जो नौवियत है उसमें उसका जो मकाम होना चाहिए वो और भी खतरनाक उसका मकाम होना चाहिए। बातें बहुत होंगी लेकिन मैं सियासियात का तालिबे इल्म हूं, तारीख का तालिबे इल्म हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि जेएनयू में जो उन्होंने जाकिर साहब ने जो 7 साल गुजारे हैं उसका असर भी इस नॉवल के कैरेक्टर पे बहुत दिख रहा है। उसकी जबान, इनकलाब जिंदाबाद और समाज के अंदर में परिवर्तन और जो इनके जो किरदार हैं वो एक वक्त के लिए चैन नहीं है, उनको वो कहते हैं कि नहीं हम आराम क्यों करें, क्योंकि हमको मुल्क और मिल्लत को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने अपने कैरेक्टर के जरिए जो इन्होंने मुस्बत बातें बताई हैं कि हम लोगों को भी अपने प्यारे वतन को और अपने मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान की बाजी देनी होगी, और नई फैक्ट्री में जो बातें कही गई है उसको आप अलामती तौर पर भी ले सकते हैं, और जो भी बुराई ना इंसाफी है उसको हमें
दूर करने के लिए हर लोगों की कोशिश करनी होगी, लेकिन यह कोशिश कभी भी इनफरादी बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, इज्तमाही तौर पर कोशिश करनी होगी। जो इनका जबान है, मैं इसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो उर्दू और हिंदी के बीच में जो एक मस्नूई दीवार पैदा की जाती है कि उर्दू के अल्फाज कुछ ऐसे होंगे और हिंदी के अल्फाज कुछ ऐसे होंगे, इस दीवार को भी उन्होंने तोड़ा है और हिंदी और उर्दू के जो भी मकबूल अल्फाज हैं उसका इन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया है और कैरेक्टर को ध्यान में रख के उन्होंने कहीं कहीं जामा मस्जिद को जमा मस्जिद भी कर दिया है। तो ये तमाम चीजें जो है कि कैरेक्टर को देख के इन्होंने डिक्शन का इन्होंने इंतखाब किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी, जैसे हमारे जेएनयू में भी एक हिंदी और उर्दू एक ही सेंटर के अंदर में पढ़ाई जाती है, उस तरह से हमें भी मजहब और जबान की कैद से आगे निकल के हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के दौर में इस तरह की नॉवल की जरूरत है और उर्दू के अंदर में भी सियासियात की बात होनी चाहिए, तारीख की बात होनी चाहिए और समाज में जो बदबू है, समाज के अंदर में जो सड़न है, उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। हमें अपने जाति मफाद से ऊपर उठ के बेबाकी से अपने कलम को उठाना चाहिए और हम सब लोगों के लिए जाकिर फैजी साहब एक मिसाल हैं। और एक बार फिर आप लोगों की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।